अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान तैयबा कमल। प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में आपको खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, जैसे कि लास्ट मंडे ईद उल फितर थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस ईद को हमेशा की तरह इंजॉय किया होगा। नए कपड़े पहने होंगे और तरह तरह के पकवान बनाए होंगे और फिर लड़कियों ने तो अपने हाथों में मेहंदियां भी लगाई होंगी जिससे कि वो और सच संवर गई होंगी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज की भी एक स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लाए हैं। हम आपसे ये क्यों कहते हैं कि हमारी हर एपिसोड आपके लिए स्पेशल है, उसका एक खास मकसद है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके हाथों में हुनर पैदा हो और फिर उस हुनर में निखार भी आए। जो चीजें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आप उसको सीखें और फिर उसको बनाएं और उसको सेल आउट करें। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। मेरा नाम शाइस्ता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे ये पोर्सलिन का डोवर का काम सीखने का बहुत शौक था। मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर आई, उसने मुझे बताया कि आप ही आए, तो फिर मैं यहाँ पर आई और माशाल्लाह मैंने सीख लिया। मुझे ये शौक था कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत लोग करते हैं मगर ये ऐसा काम है जो बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैं इसमें आई। और हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, इन्होंने यानी कि हमने सिखाया। अब जो कुछ भी हमने बनाया वो इनकी वजह से बनाया। बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं खुश हूँ कि जो है ना मैंने वो काम किया जो बहुत कम लोग काम करते हैं। ऐसा बिजनेस मैंने इसको आगे करना है, यानी कि सीख के घर नहीं बैठना। मेरे बच्चे भी खुश हैं कि मामा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भाई वगैरह सब लोग। मैंने आगे इसको बिजनेस के तौर पे चलाना है, अपना छोटा सा कोई घर में ही यानी कि स्कूल टाइप, या अगर कोई ज़्यादा बड़ा रेंज हो सका तो फिर इंशाल्लाह सीख के ये मैंने इसी उसमें करना है। मेरा सब ख्वातीन जो घर बैठी हुई हैं उनसे मेरा पैगाम है, उनको मेरा, कि वो बाहर आएँ। इस तरह के बहुत सारे हर शहर में हर जगह इदारे हैं गवर्नमेंट के बने, वहाँ पे आके बहुत कुछ सिखाया जाता है, सीखें और अपने हस्बैंड या भाई या अपने वालिद के जो उनके यानी कि मेहनत करते हैं उसमें हिस्सा डालें अपना, और अपनी मदद के तहत खुद बहुत अच्छा अपनी मदद कर सकती हैं, वो अपने मसले हल कर सकती हैं अपने बच्चों के। इसलिए ये ना समझें कि एक मैं वाइफ हूँ, मैं एक औरत हूँ तो बस मेरा काम घर तक ही बैठ के हांडी रोटी करना, उसके अलावा भी बाहर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखें हम कर रहे हैं और आप भी हमें देखें, इसके आप खुद भी आएँ, बहुत कुछ सिखाया जाता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। अगर मर्द काम करके पैसा कमा सकते हैं तो औरतें भी मेहनत करके कहाँ पैसा कमा सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं। मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं जाती, वो मर्द करे औरत करे बच्चे करें, मेहनत बिल्कुल भी रायगा नहीं जाती। सफाई बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। दिल छोटा मत करें कि जी हमें नहीं आ सकता या हम नहीं कर सकते। पहले पहले हमें भी ऐसा लगता था मगर अब हम बहुत खुश हैं कि हम खुद कर सकते हैं, ये हमने किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत कैसर है और मैं मलेशिया से पाकिस्तान आई हूँ और वहाँ पे मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। और ये काम सीखने का मकसद ये है कि ये काम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया
اور اس کو میں سیکھنے کے بعد وہاں جا کے اپنے پاکستان کا پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہوں کہ یہ آرٹ پاکستان سے ہے اور بہت اچھا آرٹ ہے. ویلکم بیک ناظرین, یہ تو تھا ہمارا فرسٹ سیگمنٹ اپنا تعارف. آج ہم نے آپ کو دو اسٹوڈینٹس سے ملوایا, شائستہ جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے اور نصرت جو کہ ملیشیا سے آئی ہے. یہ دونوں اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں. ان میں ایک لگن ہے, ایک حوصلہ ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے آگے بڑھیں گی. ان کو زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں رہے گا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خود محنت کرنا چاہتی ہیں, وہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی. شائستہ جو کہ یہ جانتی ہے کہ اس کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کتنی مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس نے ڈو ورک سیکھا اور اب اسی کے لیے وہ ایک انسٹیٹیوشن کھولے گی اور پھر گھر میں اس کو چلائے گی. تو آئے ناظرین, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ محنت اور ترقی کی طرف, جہاں آج ہم آپ کو ڈو کے ساتھ فلاورز بنانا سکھائیں گے. تو آئیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. السلام علیکم, عشرت جاوید, فائن آرٹس انچارج, سن ہزار, لاہور. فائن آرٹس میں یہاں جو کچھ سکھا رہی ہوں اس میں آئل پینٹنگ, اسٹین پینٹنگ, پیسٹل ورک, ایچنگ ورک, ڈو ورک اور مختلف اور کافی چیزیں ہیں جو یہاں بچیوں کو سکھائی جاتی ہیں. اسی سلسلے میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں ڈو کا کام. ڈو بنانے میں جو چیزیں, اٹیلین ڈو ہم بنا رہے ہیں, اٹیلین ڈو بنانے میں جو چیزیں یوز ہوں گی, کارن فلور, جرمن گلو, سرکہ, بیبی آئل, گلیسرین, کولڈ کریم. سیون چمچ کارن فلور, ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات چمچ ہم نے کارن فلور لیا. چار چمچ ہم جرمن گلو لیں گے. چار چمچ ہم نے جرمن گلو, ایک ٹی سپون سرکہ, بیبی آئل ایک ٹی سپون, گلیسرین ایک چمچ, کولڈ کریم ایک چمچ. اس تمام مٹیریل کو ہم مکس کریں گے.
बहुत अच्छी तरह इसको मैश करना है, कोई फिटकड़ी या कोई इसमें गुठली ना रह जाए। इसको अच्छी तरह हाथ से मैं और मिक्स करती हूँ। फिर रोटी के जिस तरह हम रोटी पकाते हैं उस तरह हम इसको एक रोटी का पेड़ा बना लेंगे। और ये हमारी डो तैयार है। इसको हम एक शॉपर लेंगे और हल्का सा इसमें कोल्ड क्रीम थोड़ी सी हाथ में लेकर इसको हल्की सी कोल्ड क्रीम लगाकर और इसको हम शॉपर में एयर टाइट कर देंगे। ये डो हमारी तैयार है। अब इसको शॉपर में एयर टाइट तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसमें इससे काम शुरू करेंगे। ये पहले से डो मैंने बनाकर रखी थी और ये अब बिल्कुल तैयार है। इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब इसमें हम कलर मिक्स करेंगे, जो भी हमें कलर चाहिए लाइट डार्क हम उसी हिसाब से इसको डालेंगे। ये डो मैंने ले ली, ये हाफ डो ली मैंने, और इसमें आप ऑयल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्टल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बेबी पिंक कलर बनाना चाह रही हूँ। ये व्हाइट मैंने कलर लिया, व्हाइट कलर मैंने इसमें ये डाला और इसके साथ थोड़ा सा जितना हमने व्हाइट लिया है 1/3 जो है वो हम इसमें रेड ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है ये इस तरह से। ये देखिए ये हमारा पिंक कलर तैयार है। मैं आपको गुलाब का फूल बनाना सिखा रही हूँ। वैसे भी गुलाब का फूल फूलों का बादशाह कहलाता है। इसको हमने ये डो ली हमने, ये जरा मेरी हाथों की तरफ देखिएगा, ये हमने ये स्टेप सी एक बनाई, फिर हमने इसको ये देखें थोड़ी सी डो हमने लेके इसकी एक पट्टी बनाई और गुलाब के अंदर की जो एक बर्ड होती है उसको हमने बनाना है। ये इसको हमने रोल किया, ये गुलाब के अंदर का हिस्सा ये हमने बनाया। इसके बाद थोड़ा सा हमने डो ली और इसको हमने कली की तरह की शेप दे दी और यहां रखा। सारा काम सिर्फ हमने हाथ से करना है। ये देखिए गुलाब की कली की शेप, ये देखिए गुलाब की छोटी पत्ती, इसके साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। ये कली के साथ इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया और इससे जो हमने कली बनाई है ये पत्ती हम इससे थोड़ी सी ऊंची रखेंगे, थोड़ा सा इसको इससे बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमने इसकी मुड़ाई करनी है। इसको जो हम पत्ती की गुलाब की पत्ती की शेप देते हैं तो वो पीछे की तरफ टर्न होता है, तो ये इसके लेवल पे आएगा। ये हमने एक पत्ती लगाई
हमने दूसरी पत्ती इसके हाफ से लेनी है, पहली पत्ती के हाफ से इसको हमने लगाया, इसको भी हमने शेप दी। और अगर डो थोड़ी सी आपके हाथ में चिपकने लग जाए तो आप थोड़ी सी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी पत्ती, तीन पत्तियों का साइज एक ही होना चाहिए। ये तीसरी पत्ती इन दोनों पत्तियों के सामने हमने लगाई। ये हमारी कली बन गई। ये हमने गुलाब की पत्तियां, तीन पत्तियां हमने लगाई हैं और एक अंदर हमने बर्ड बना के लगाई है। तो इस तरह हमारी ये कली तैयार होगी, गुलाब की कली तैयार है। अब हम इसको फूल की शक्ल देंगे, फूल की शेप में लेकर आएंगे। अब जो पहले हमने तीन पत्तियां लगाई थी उससे हम पत्ती का साइज बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि हमने फूल बनाना है तो जाहिर है जैसे जैसे वो फूल बढ़ता है तो वो साइज भी पत्ती का बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट जो चक्कर है हमारा, ये हम मैंने थोड़ी सी साइज पत्ती का बढ़ा लिया है। ये साइज पत्ती का बढ़ाया है मैंने। अब इन दो पत्तियों के सेंटर से इसको मैं लगाऊंगी। जिस तरह से पहले हमने इससे ऊंचा रखा था पत्ती को, अब नेक्स्ट भी हम अगली पत्ती को इससे ऊपर रखेंगे और वैसे ही मुड़ाई करनी है। ये हमने दूसरी पत्ती इसके साथ की अटैच। पहले हम छोटी तीन पत्तियां लगाएंगे, उससे हमारी कली तैयार होगी। उसके बाद हम पांच पत्तियां लगाएंगे, पांच पत्तियों से हमारा फूल खिलेगा। उससे बड़ा अगर आप फूल बनाना चाह रही हैं तो फिर आप पांच के बाद सात पत्तियां और लगाएं, तीन पांच और सात। ये चार, जी ये लास्ट में हम ये पांचवी पत्ती लगाएंगे जिससे हमारा फूल कंप्लीट हो जाएगा। ये पांचवी पत्ती और ये फूल हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए फूल हमारा तैयार है। पहले अंदर एक बर्ड हमने बना के लगाई, फिर उसके बाद हमने तीन पत्तियां लगाई छोटे साइज में, हमारी कली तैयार हो गई। उसके बाद हमने पांच पत्तियां मजीद लगाई साइज बढ़ाकर, तो हमारा ये गुलाब का फूल तैयार हो गया। अगर इससे भी बड़ा आप गुलाब का फूल बनाना चाह रहे हैं तो आप पत्ती का साइज भी बढ़ा दीजिए और सात पत्तियां इसके साथ और लगाइए, तो वो और बड़ा फूल आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसको खुश्क होने में काफी टाइम लग जाता है तो हमने ये पहले से बनाकर रखी हुई है जो कि खुश्क हो चुकी है। इसको मैं आपको डाली पे अरेंज करना सिखाती हूँ। इसके साथ हमने थोड़े से ग्रीन पत्ते भी बनाए हैं। ये हमने एक मोटी वायर ली, इसके साथ हमने इसको अटैच करना है ये टेप। इसके साथ हम दो पत्ते लेंगे, इसके साथ फिर छोटी कली, फिर दो पत्ते। ये हमारी डाली तैयार है।
اسی طرح سے ہم نے مختلف اسی ڈو سے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ڈو سے کینڈل سٹینڈ. کی ہولڈر یہ بھی دوسری قسم کا کینڈل سٹینڈ ہے. اور یہ ہمارا بوکے ہے. آج میں نے آپ کو ڈو سے گلاب کی ڈالی بنانا سکھائی. اسی ڈو سے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. جس طرح کہ یہ ڈالیاں میں نے آپ کو بنا کے رکھی ہیں, یہ آپ نے دیکھی, مختلف چیزیں میں نے آپ کو بنا کے دکھائی اور یہ آپ کو آپ نے دیکھی, اور اس سے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. اب نیکسٹ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو تھا ہمارا سیگمنٹ محنت اور ترقی. آج ہم نے آپ کو ڈرو ورک سکھایا. کارن فلور اور جرمن گلو کو ملا کر آپ کتنے اچھے طریقے سے ڈو بنا سکتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں اور ڈیکوریشن پیسز. آج ہم نے آپ کو فلاورس بنانا سکھائے, جہاں آپ نے دیکھا کہ ڈو کے ساتھ کتنی آرام سے آپ فلاورس کو بنا سکتے ہیں اور پھر گھر کی ڈیکوریشن بھی تیار. تو ناظرین, یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنی محنت اپنے ہاتھ. آج کے پروگرام میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.